तो एक तरफा जो कब्जा कर लिया है, इसलिए हम सबको एकजुट कर रहे हैं, एक साथ मिलके पूरा मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ लड़िए। आज CPI के साथ मेरा आज का रिश्ता है जी, बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग नहीं जानते। तो इसीलिए वो अब तक सोचिए, हम तो बाद में कहेंगे ये सब एक ही न था जी, आज दो हिस्सा में हो गया था, तब फिर सोचिए, हम तो पहले ही से कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी आज है, आप बुलाए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और आप बुलंदी से जो ये काम कह रहे हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप जो भी कहीं काम करिएगा, हमारी पार्टी भी और हमारी सरकार भी आप सबका साथ देगा, इसलिए आप लोग बुलंदी से सारा काम करते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। CPI की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और जनसभा को संबोधित करते हुए CM ने जहां एक तरफ CPI की जमकर तारीफ की है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। आप इस रिपोर्ट में देखिए कि CM ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है। चाहते हैं कि लोग भूल जाए, आज जो काम नहीं करते हैं आज रोज बयान देते हैं। आप तो अभी चलिए ना, अगला बार कार्यक्रम में होगा उस दिन कहेंगे कि वो लोग कितना लोगों का बहाली करते हैं, आ कितना ज्यादा आप लोग फूंक छापते हैं, हम लोग कितना ज्यादा का बहाली करते हैं, उसका तो थोड़ा सा न्यूज छपेगा और कहीं नहीं छपेगा। तो एक तरफा जो कब्जा कर लिया है, इसलिए हम सबको एकजुट कर रहे हैं, एक साथ मिलके पूरा मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ लड़िए। आज CPI के साथ मेरा आज का रिश्ता है जी, बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग नहीं जानते। आपका पटिया भले ही सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम जब MLA का चुनाव लड़े, आपको मालूम है 1987 में हमारे एरिया में सारे CPI CPM के लोग हमको मदद कर रहे थे, आप समझ लीजिए। तो हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है, पूछिए ना भाई, आप लोगों के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। अब आपकी इज्जत हम करते ही रहेंगे, तो हम तो हमेशा करेंगे। अरे हम लोग सोशलिस्ट हैं, तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सबको एकजुट करके एक नीति पर चलना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, आगे के लिए ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए पूरा बुलंदी से काम करिए। अब बड़ी हमको बहुत आपकी प्रशंसा है, हम महिलाओं को आपके यहाँ देख रहे हैं यहाँ वहाँ, अब आपके पास भी इतनी महिलाएं हैं, मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपके साथ सब हैं। अरे शुरू से ना हम देखे हैं जी, आज हम बचपन में भी लड़ते थे तो आपके साथ देखते थे लड़का लड़की सबको, तो आप कितना बढ़िया पार्टी रही, तो पूरा मजबूती से चलिए, हम आपके साथ हैं, आपके समर्थक भी हैं। तो इसलिए आज आप बुलाए हैं, मुझे खुशी की बात है। हम तो एगो आग्रह करेंगे कि भाई CPI या CPM दो हिस्सा में बट गए, अरे अब आगे भी देखिए ना भाई, दो हिस्सा काहे ना बांटे हुए। तो इसीलिए वो अब तक सोचिए, हम तो बाद में कहेंगे ये सब एक ही ना था जी, आज दो हिस्सा में हो गया था, तब फिर सोचिए, हम तो पहले ही से कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी आज है, आप बुलाए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और आप बुलंदी से जो ये काम कह रहे हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आपने मुझको भी इस अवसर पर बुलाया, हम लोग पूरे तौर पर आपके साथ हैं। आप जो भी कहीं काम करिएगा, हमारी पार्टी भी और हमारी सरकार भी आप सबका साथ देगा, इसलिए आप लोग बुलंदी से सारा काम करते रहिए। और आज भी बुलाए हैं तो मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं आप सबका। और आज इस कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेताओं को अपनी रैली में बुलाने के लिए आभार प्रकट करता हूं, और रैली में आए हुए सभी लोगों के प्रति मैं सम्मान प्रकट करता हूं। और एक साथ मिलकर के हम लोग देश के हित में काम करें, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आपने मुझको बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिन्होंने आज सीपीआई की रैली भाजपा हटाओ देश बचाओ में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सीपीआई से हमारा रिश्ता काफी पुराना है और ये आगे भी रहेगा, हम हर संभव सीपीआई की मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीपीआई जो ये कार्य कर रही है भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसके लिए मैं सीपीआई का अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार और हमारी पार्टी सीपीआई की हमेशा मदद करेगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।